तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक के बहादुर कहानी के सारांश पर आधारित है। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर बहादुर कहानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक अमरकांत है। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागड़ा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर आप अमरकांत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लेखक अमरकांत की पत्नी लेखक अमरकांत से नौकर लाने की जिद करती है, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदारों के पास नौकर होते हैं। और जब वह अपनी बहन के यहाँ गए होते हैं तो निर्मला नौकर के सुखों को देखती है। अतः वह वहाँ से आने के बाद नौकर लाने की जिद करने लगती है। अतः लेखक को भी लगता है कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को घर लाते हैं। यह देखकर निर्मला बहुत खुश होती है। लड़के की उम्र 12-13 साल होती है। उसका शरीर ठिगना, चकाइट, रंग गोरा तथा मुंह चपटा होता है। उसका नाम दिल बहादुर रहता है, लेकिन निर्मला उसके नाम से दिल शब्द उड़ा देती है और कहती है कि आज से तुम्हारा नाम बहादुर है। बहादुर का गांव बिहार तथा नेपाल की सीमा पर रहता है। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे और उसकी माँ ही उसका भरण पोषण करती थी। उसकी माँ बहुत गुस्सैल थी और वह उसे बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धंधों में हाथ बटाए, जबकि लड़का पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता या फलों को तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने ले जाता था। एक बार उसने उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास जा पहुँची, जो कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुमान जानवर, चरना छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा होगा। और यह सोचकर बहादुर को उसने बहुत पीटा और वह वहीं कराहता छोड़कर चली गई। बहादुर रात भर जंगलों में छिपा रहा और सुबह उठकर घर में चुपके से घुसा और हांडिये से 2 रुपया चुरा कर 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बसें थी और बस में साले साहब मिले और उसको अपने साथ घर ले आया। बहादुर बहुत ही मेहनती और हसमुख था। बहादुर के आते ही उनके घर में खुशियों की बारिश होने लगी। पड़ोसी के लड़के सुबह सुबह ही उठकर उसे प्रश्न करते थे, ए तुमने शेर देखा है? ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? उसे पहाड़ियों की गाने गाने की फरमाइश की जाती। वह जितना जवाब देता लोग उतना ही प्रश्न पूछते। वह उत्तर देकर बहुत हंसता था। उसको सबके नाश्ते और खाने की बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला पड़ोसियों को आंगन में खड़ा होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती रहती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक लीकर का बीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूरी तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुतली पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मलता,
वह रसोई बनाने की भी जिद करता था, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। और वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। रात को सोने के समय बहादुर अपनी कुछ खेल के सामग्री को अपने खटिए पर सजा देता था, जैसे कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, और उनसे खेलता था और कुछ देर बाद सो जाता था और वह पहाड़ियों के गानों को गुनगुनाने लगता था। लेकिन धीरे धीरे घर के सभी लोगों के बर्ताव में बदलाव आने लगा। किशोर अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था, जैसे जूते में पॉलिश करवाना, साइकिल में हवा भरना आदि, और न करने पर उसे बहुत मारता पीटता भी था। पर आज तो हद ही हो गया था, क्योंकि किशोर ने उसे सूअर का बच्चा कहा था। अतः वह बहुत नाराज था और लेखक के आने पर नाराजगी का कारण पूछने पर बताता है कि उसने आज मेरे पिता को सूअर कहा है। लेखक ने समझाया, जाने दो और तुम अपना काम करो, और फिर वह अपना काम करने लगता है। एक दिन निर्मला के पड़ोसी उसे सलाह देती है कि वह बहादुर को कहे कि वह अपना खाना खुद बनाए, नौकर को ज्यादा माथ पर चढ़ाने से वह बिगड़ जाता है। यह बात निर्मला को जच जाती है और निर्मला बहादुर को अपना रोटी खुद बनाने के लिए कहती है, पर वह चुपचाप खड़ा रहता है। निर्मला के बहुत डांटने पर वह रोते हुए जाकर सो जाता है और सुबह उठकर अपना खाना खुद बनाता है और खाता है और काम पर लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं और वो रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हैं, और यह सुनकर लेखक, किशोर और निर्मला तीनों उसको डांट कर पूछती है कि बताओ पैसे कहाँ रखे हैं, और वो कहता है कि नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। फिर भी वो उन्हें बहुत पीटते हैं और मारते हैं, पर बहुत पीटने के बाद भी वह बताने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसने पैसे चुराए हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं चुराया रहता है। और उसके अगले दिन सुबह से ही उठकर बहुत खुश दिखाई देता है और वह घर को छोड़कर चुपचाप चला जाता है। उसके जाने के बाद घर के सभी सदस्य बहुत अफसोस करते हैं। निर्मला कहती है कि अगर कुछ लेकर जाता तो संतोष हो जाता, क्योंकि वह अपना कोई सामान लेकर के नहीं गया रहता है, यहाँ तक कि वो अपने पैसे भी नहीं लेता है। और इस तरह से यह कहानी हमें यह दिखाती है कि वह इतना मारने पीटने के बाद भी घर छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन जब उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है तो वह घर छोड़कर चला जाता है। और इस तरह से यह एक बच्चे के मानसिकता को दर्शाती है। तो आज का यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तो अब बारी है इस पाठ से प्रश्न की, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ऑप्शन ए निर्मला ने, ऑप्शन बी किशोर ने, ऑप्शन सी लेखक ने, और ऑप्शन डी साले साहब ने।